हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्ट आईस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज़ एनालिसिस तो आज नाइनटीथ फेबररी है और उसके न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और आई मैं एक इनफॉर्मेशन और भी दे दूं कि जो सिक्सटीथ सेवनटीन्थ और एटीन फेबररी का था वो न्यूज़ डिस्कस हो चुका है अपलोड कर दिया गया है आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा तो आज का न्यूज़ डिस्कस करते हैं आज हिंदू में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं फ्रीडम्स के एस्पेक्ट से और फर्स्ट न्यूज़ है म्यांमार डैम ऑन बॉर्डर वरीज़ मणिपुर विलेज देखिए म्यांमार जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है मणिपुर के पास मणिपुर जो बॉर्डर वहाँ पे लगता है इंडिया और म्यांमार का तो मणिपुर में एक विलेज है उस जगह पे एक डैम क्रिएट हो रहा है एक रिवर पर तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ के लोग लो जो उस विलेज के लोग हैं और याद रखिए जो डैम है वो है तुरी तुडिमजांग ये डैम का नाम है और ये ट्विंगजम रिवर पर बनाया जा रहा है आई होप मैं सही अनाउंस कर रही हूँ तो ये ट्विजम तो आज का फर्स्ट न्यूज़ है म्यांमार डैम ऑन बॉर्डर वरीज मणिपुर विलेज तो म्यांमार एक डैम कंस्ट्रक्शन कर रहा है इसकी वजह से जो वहाँ पे मणिपुर में एक विलेज है वहाँ के लोग काफ़ी डर रहे हैं और ये डैम इसका नाम है टूजम जांग और ट्विज़म रिवर पर इसको बनाया जा रहा है म्यांमार के द्वारा याद रखिए ट्विज़म रिवर जो है वो मणिपुर से फ़्लो होती है म्यांमार की तरफ जाती है और इसी रिवर पर एक डैम क्रिएट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है थाडो याद रखिए थाडो ट्राइब जो है वो मणिपुर के हैं और पूछा जा सकता है प्रेडिम्स में कि जो थाडो ट्राइब हैं वो कहाँ के हैं तो मणिपुर के हैं और इस ये जो ट्राइब लोग हैं यही काफ़ी डर रहे हैं इन्होंने कंप्लेन किया है इसके लिए कि जो डैम है ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे वाटर स्कासिटी आ जाए या वहाँ की ट्रापोग्राफी जो है वो ख़त्म हो जाए तो ये सारी दिक्कतें हैं जो बताई जा रही है हालाँकि इससे पहले भी कई सारे जो डिस्प्यूट्स है वो हो चुके हैं डिम एम के बीच में इस इश्यूज को लेकर के डैम कंस्ट्रक्शन को लेकर के इससे पहले 2015 में केस आया था जिसमें कि एक विलेज था मणिपुर का विलेज था चादोंग करके रुकुल डिस्ट्रिक्ट में वो स उसका समर्जन्स हो गया था बिकॉज ऑफ द मैपीथेल डैम एक मैपीथेल डैम बनाया गया था थौबल रिवर पर याद रखिए थौबल रिवर भी मणिपुर में है और इसी पर एक डैम बनाया गया इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ गई थी और इसका जो ये कंस्ट्रक्शन था मैपी डैम इसका इसको इनिशियली इसका नाम था थोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और इस का जो प्रोजेक्ट था उसका एम था सेवन पॉइंट फाइव मेगावाट पावर जनरेशन करना ये सारी अच्छी अच्छी बातें थी उसमें और ये भी काफ़ी इसने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी उस रीज़न में और अभी फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो याद रखना है ट्विज़म रिवर के बारे में और इससे जुड़ा हुआ एक और न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं कॉन्ट्रोवर्सी हैज़ ऑल्सो डॉग्ड मेगा हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था तयपाईमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको कि बराक रिवर पे कंस्ट्रक्ट करने की बात चल रही थी मणिपुर में तो वो भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में है अब बराक रिवर की बात है थोड़ा सा बराक रिवर के बारे में जान लेते हैं हो सकता है फिल्मस में पूछ लिया जाए तो ये देखिए जो रिवर है वो साउथ असाम में फ़्लो करती है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ साउथ असाम एंड इज़ अ पार्ट ऑफ सुरमा मेघना रिवर सिस्टम तो सुरमा मेघना रिवर सिस्टम का ये पार्ट है जो बराक रिवर है एंड इट कंट्री ऑफ मणिपुर स्टेट याद रखिए मणिपुर के हिली रीजन से ओरिजिनेट होती है जो बराक रिवर है और वेर इट इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द हिल कंट्री रिवर एंड आफ्टर मणिपुर इट फ्लोज थ्रू मिजोरम स्टेट एंड इन टू असाम एंडिंग आफ्टर 564 सिक्सटी फ़ोर किलोमीटर जस्ट आफ्टर इट एंटर्स बांग्लादेश बराक रिवर है वो मनीपुर से औरिजिनेट होती है याद रखें और वहाँ से uh, मिज़ोरम स्टेट होते हुए असम होते हुए बांग्लादेश में जाकर के मिलती है एंड द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज अब इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर लेते हैं तो एक झलक देख लीजिए याद रखिएगा अगर आ जाए एग्जाम में तो uh, इसकी जो ट्रिब्रीज़ हैं वो हैं जीरी uh, द धालेश्वरी जिसको कि तलावांग भी बोलते हैं एंड द शिंगला शिंगला भी इसकी ट्रिब्यूटरी है लोंगाई और माधुरा सोनाई रुकनी और काटा खाल ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं और इसी पर जो ताई पाई मुख प्रोजेक्ट है वो चल रहा था जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में है अभी भी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं याद रखें इसको और नेक्स्ट न्यूज़ है ग्वाड गेट गॉड गेट मॉडर्न वेपन टू फाइट पोचिंग तो पहली बार ऐसा हुआ है जब बहुत एडवांस वेपन दिए गए हैं गार्ड्स को और ये पोचिंग होती है बहुत ज़्यादा राइनोज़ की इसके लिए कदम उठाया गया है यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्ट दिया हुआ है दैट असम हैज़ फाइव नेशनल पार्क्स एंड नाइन्टीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द होम ऑफ नाइन्टी वन परसेंट ऑफ इंडियन राइनोज़ तो आसाम जो है वहाँ पर पाँच नेशनल पार्क है याद रखिए और उन्नीस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इसके अलावा जो इंडियन राइनोज़ हैं उनकी नाइन्टी वन परसेंट पॉपुलेशन यहीं पाई जाती है आसाम में ही पाई जाती है तो इंडियन राइनोज़ की बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन राइनोस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस याद रखिए सेम है इंडियन राइनोसोरस बोलें आप या फिर वन हॉर्न राइनोसोरस सेम है एंड द ग्रेट इंडियन राइनोसोरस भी इनको बोला जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वेल्नरेबल कैटेगरी में है आई यूसीड लिस्ट में इनके जो कैटेगरी है वो वेल्नरेबल है एंड राइनो पोचिंग इन आसाम इज वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल इशूज इन इंडिया बिल्कुल सही फैक्ट है ये जो राइनो पोचिंग होती है बहुत ज्यादा होती है असम में और इससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न उठ करके आ रहा है ये काजीरंगा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क इन सारी जगहों में पाए जाते हैं असम में खास करके एंड वन हॉर्न राइनो और इंडियन राइनो इज़ सर्वाइविंग इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ ए नेशनल पार्क है असम में प्लीज उसको याद कर लें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन रॉयनोसोरस का जो स्टेटस है आई यू सी में वो भी याद करें वनडबल है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो राइनोसोरस हैं वो यहीं पाए जाते हैं आसाम में ही नाइन्टी वन परसेंट राइनोसोरस पाए जाते हैं इंडियन राइनोसोरस तो इंपॉर्टेंट है ये और अब नेक्स्ट न्यूज़ है खजु खजुराहो डांस फेस्टिवल बिगिंस टुमारो तो खजुराहो डांस फेस्टिवल बिगिंस हो रहा है इस वजह से खजुराहो का जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए तो यहाँ पे हालांकि ये ट्वेंटी से ट्वेंटी सिक्स फेबरवरी तक चलने वाला है ये फेस्टिवल और यहाँ पे जितने भी और डांस फॉर्म है जैसे कथक ओडिसी भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कथकली आपने इन सब का नाम सुना हुआ है आर्ट एंड कल्चर में ये सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर में तो इस सब को परफॉर्म वहाँ पे किया जाएगा इसके अलावा कुछ टेंपल्स का जिक्र किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं विश्वनाथ टेंपल जो खजुराहो में ही है उसकी बात कर लेते हैं विश्वनाथ टेंपल एक हिंदू टेंपल है याद रखें मध्य प्रदेश में है ये और इट इज़ लोकेटेड अमंग द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ खजुराहो मॉन्यूमेंट्स तो खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल्स हैं उसका एक ग्रुप है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें से जो वेस्टर्न ग्रुप है उसमें विश्वनाथ टेम्पल आता है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है अगर आपको पूछा जाए कि विश्वनाथ टेम्पल लॉर्ड विष्णु का है तो वो गलत होगा लॉर्ड शिवा के लिए ये टेम्पल है उनको विश्वनाथ बोला जाता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस टेम्पल को बनवाया गया था चंदेला किंग के द्वारा तो चंदेला किंग जो थे धांगा उनके द्वारा इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था बनवाया गया था तो इसको भी याद रखेंगे और ये एक हिंदू टेम्पल है ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एंड द विश्वनाथ साइट वॉज डेजिग्नेटेड एज पंचायतन कॉम्प्लेक्स तो वहाँ पे एक पंचायतन टेम्पल का जो आर्किटेक्चर होता है उसको अभी देखने को मिलता है तो विश्वनाथ टेम्पल के बारे में ये कुछ फैक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस तरीके से दिखता है विश्वनाथ टेम्पल और अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अटल भूजल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है अटल भूजल योजना क्या है तो अभी इसको लॉन्च किया गया है जो हमारी मिनिस्ट्री है गंगा एंड वाटर रेजर्वनेशन उनके द्वारा और इसका उद्देश्य है जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है उस क्राइसिस को कम करना ग्राउंड वाटर को फिर से रिचार्ज करना रेनोवेट करना इसका उद्देश्य इस पूरे योजना का उद्देश्य है एंड द ऑब्जेक्टिव द स्कीम इज़ टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड क्रिएट सफिशिएंट वाटर स्टोरेज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ तो याद रखिए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसको और स्ट्रेंदन एन्हस करने की कोशिश की जाएगी इस योजना के माध्यम से एंड इट आल्सो फोकसेस ऑन रिवाइवल ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज़ सो दैट ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी इंक्रीज तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जब वाटर पे को स्ट्रेंदन किया जाएगा तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा एंड इट विल गिव द एम्फेसिस ऑफ रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर सोर्सेज एंड इसको जब ये जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उससे पहले इसको स्टार्ट किया जाएगा जहाँ जहाँ पे कि वाटर स्ट्रेस स्टेट्स हैं जहाँ पे कमी है स्कासटी है वाटर की जैसे कि गुजरात हरियाणा कर्नाटका महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में इसको स्टार्ट किया जाएगा एंड सेंटर विल सपोर्ट हाफ ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रेस्ट ऑफ द बजटरी कॉस्ट विल बी शेयर बाय द वर्ल्ड बैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दो तीन बातें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को तो ये भी याद रखें सेंटर और वर्ल्ड बैंक मिलकर के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे राज्यों में तो अब कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं तो पहला स्टेटमेंट था जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स विल बिगिन एन एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड इन लद्दाख अप्रैल दिस वुड बी द फर्स्ट एस्टिमेशन तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये और दूसरा स्टेटमेंट था दैट आई यू सी एन रेड लिस्ट स्नो लेपर्ड इज कंसिडर्ड एज वलनरबल बिल्कुल सही है ये भी तो दोनों स्टेटमेंट इसमें एज इट इज दिए हुए हैं याद रखिए है, स्नो लेपर्ड का जो स्टेटस है उसको बदल करके वलडेबल कर दिया गया जबकि पहले ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में हुआ करता था और अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं चंद्रयान टू से जुड़ा हुआ है कल हमने डिस्कशन किया था स्टेटमेंट है दैट इट इज अ मार्स मिशन और दूसरा स्टेटमेंट है दिस इज द मिशन ऑर्बिटर एंड रोवर इज मेड बाय इंडिया ऑर्बिटर और रोवर जो है वो इंडिया ने बनाया है लैंडर इज डेवलप्ड बाय रशिया और उसमें जो लैंडर है उसको रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है तो क्वेश्चन है द विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आप ट्रू फॉस्टेशन की तरफ चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है द बोर्नियन औरंग गुटान इज स्पीसीज ऑफ औरटान नेटिव टू द आइलैंड ऑफ बोर्नियो ये नेटिव हैं आइलैंड ऑफ बोर्नियो के तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये द ट्रू स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट है द आई यू सी एन इन uh, in 2016 सिक्सटीन डेजिग्नेटेड द बॉर्नियो और गुटान एज एंडेंजर्ड की आई यू सी एन रेलिस्ट में इसको बोर्नियो और गुटान जो है उनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला है 2016 में तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि इसमें इसका कैटेगरी जो है वो वलनरेबल कर दिया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेंटली इसका जो स्टेटस इस है वो चेंज किया गया इस वजह से बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना इसको किया गया है अभी आई और तीसरा स्टेटमेंट है कावेरी इज़ एन इंडियन रिवर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका तमिलनाडु एंड केरला तो आपको अगर याद होगा फैक्ट तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये जो कावेरी रिवर है स्पेशली दिस रिवर फ्लोज तो थ्रू द टू स्टेट कर्नाटका एंड तमिलनाडु इसकी जो बेसिन है वो चार राज्य मतलब तीन राज्य और एक यूनियन टेरिटरी तो से होकर के गुजरती है तो इस डिफरेंस इस को याद रखें चौथा स्टेटमेंट है मिजोरम हैज़ द हाइस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ परसेंटेज जोग्राफिकल एरिया दिस इज एक्चुअली अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि जोग्राफिकल एरिया में अगर बात करें हाइस्ट परसेंटेज की तो वह मध्य प्रदेश की है ना कि मिजोरम की और फिफ्थ स्टेटमेंट है दैट एन डी बी इज अ मल्टीटर डेवलपमेंट बैंक प्रमोटेड बाय सार्क नेशंस बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि आपका इसका सही स्टेटमेंट पता है ये ब्रिस्ट नेशन के द्वारा बनाया गया है इसके बारे में कई सारी बात हमने की थी इसका जो हेडक्वार्टर है वो शांई में है तो याद रखें इस फैक्ट्स को तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर विंग विद मे फॉर वॉचिंग डिस्कशन थैंक यू थैंक्स